हाय गाइस, माय नेम इज सुनील कौशिक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सोमवीर कौशिक। आज बच्चों के प्रैक्टिकल चले हुए हैं जो सीबीएसई के हैं, और ये जो प्रैक्टिकल हैं उनमें बच्चों का क्या है कि मनोबल गिरा हुआ होता है इस टाइम पर। तो मैं चाहूँगा मेरा साथी है सोमवीर कौशिक बच्चों को बताए कि वो मनोबल ना गिरा कर अपने प्रैक्टिकल को कैसे अच्छे से निकाल लें। हाँ जी सोमवीर जी बताओ। हाँ, मेरा नाम सोमवीर कौशिक है। बेसिकली आज हम बात करेंगे कि भाई जो बच्चे बड़े हेजिटेशंस होते हैं, एक मन के अंदर एक बड़ा डर रहता है प्रैक्टिकल के दौरान कि बाहर से कोई एक्सटर्नल आएगा, कैसे प्रैक्टिकल कंडक्ट करे किया जाएगा, एक बड़ा भय रहता है बच्चों के अंदर, हेजिटेशंस रहती है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि वो बच्चे किसी भी प्रकार का कोई भय या कोई डर या कोई हेजिटेशंस ना करें, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिकल को कंडक्ट जो कराया जाता है एक्सटर्नल के दौरान, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको करें। और कोई भी क्वेश्चन एक्सटर्नल जो एग्जामिनर आता है वो पूछता है आपसे, तो वो अच्छे से बिल्कुल समझकर उसका आंसर देना होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की सबसे मेजर प्रॉब्लम यही रहती है कि कुछ क्वेश्चन उनको आते होते हैं लेकिन फिर भी उसका जवाब नहीं दे पाते, या वो गलत कर देते हैं या वो गलत करते हैं। तो ये साथी, मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा आपको कि ज़्यादा कोई हेजिटेशंस या ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। वो भी हमारे जैसे ही कोई टीचर होते हैं जो कंडक्ट करने आते हैं, और अच्छे से उसको कोई भी टॉपिक जो आपका, आपने जिस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट फाइल या प्रैक्टिकल बनाया है उसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता तो आप उसको बोलिए कि क्वेश्चन वो दोबारा करें, वो आपको कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उसकी ड्यूटी है, वो क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछेगा। बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। अगर आपको कोई भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है तो आप बिल्कुल उसको दोबारा पूछ सकते हैं, सर प्लीज़ एक बार रिपीट कर दीजिएगा। या फिर आपको क्वेश्चंस से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप घबराइएगा नहीं, नहीं आता है तो सॉरी सर। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस बताते टाइम वो क्वेश्चन जो है हमारे माइंड से स्लीप हो जाता है, तो आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल आपके माइंड में 1% भी दोस्तों हेजिटेशंस नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्वामी सर एक बात और बताइए कि हमें सुनने में आया कि सीबीएसई ने अपने नॉर्म्स चेंज किए हैं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, प्रैक्टिकल को लेकर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि पिछले साल जो हमारे प्रैक्टिकल कंडक्ट किए जाते थे, एक्सटर्नल आता था हमारे किसी स्कूल में जो है, और एक इंटरनल जो एग्जामिनर होता था, एक एक्सटर्नल एग्जामिनर होता था, दोनों क्या है वाइवा या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उससे पूछे जाते थे बच्चों से। लेकिन इस साल क्या है, एक नया नॉर्म सीबीएसई ने चेंज किया है दोस्तों। उसमें क्या है कि भाई जैसे हमारा सीबीएसई की तरफ से कि ये नॉर्म्स आया कि एक्सटर्नल एग्जामिनर भी उसमें आएगा, और वो एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ एक ऑब्जर्वर भी साथ में आएगा। तो ऑब्जर्व क्या करेगा कि साथ में बैठेगा, ये ऑब्जर्व करेगा कि कितने बच्चे हैं, हर बच्चे की अटेंडेंस अच्छे से हुई है, तो या फिर ये उनके ग्रुप फोटो होती है जो अपलोड सीबीएसई की तरफ से साइट पे की जाती है, तो 2 या 3 फोटो उस पर अपलोड की जाती हैं। तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि ऑब्जर्व आ रहा है या कोई एक्सटर्नल आ रहा है तो पता नहीं क्या होगा, इस तरह का कोई भी माइंड आपके अंदर नहीं होना चाहिए। बल्कि आप बिल्कुल एक शांत उससे मन से और बिल्कुल विदाउट एनी एजिटेशंस के आप उसको क्या है बता सकते हैं। स्वामी सर एक बार ये और रिवाइज करवाओ बच्चों के लिए, अच्छा होगा कि क्वेश्चन जो करेगा जो एग्जामिनर आएगा तो वो किस टॉपिक को लेकर ज़्यादा करते हैं, और वो हमारी जो प्रैक्टिकल होती है वो कितने नंबर्स की होती है। हाँ बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल ये डिटेल में बताना चाहूँगा आपको कि जनरली कॉमर्स के और जो साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों वो अलग अलग होते हैं। जैसे साइंस में जनरली जैसे फिजिक्स की बात करूँ तो वो 30 मार्क्स का आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, और जैसे कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स में हमारा अकाउंट्स में 20 का होता है, बिजनेस स्टडी में 20 का होता है, इकोनॉमिक्स में 20 का होता है, और जो हमारा फिजिकल एजुकेशन होता है वो हमारा 30 मार्क्स का होता है, और 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है, थ्योरेटिकल पेपर जो फाइनल एग्जाम में होता है। तो इस तरह हमारे जो है पेपर इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं।
और इसमें जो सुनील जी आपने जो क्वेश्चन रेज किया कि भाई किस तरह के क्वेश्चन से वहाँ पुट किए जैसे जाते पुट किए हैं। जाते हैं, बिल्कुल सही बात किया आपने। जनरली वैसे तो जो वाइवा होता है दोस्तों, वो वाइवा जो है रेलेवेंट टॉपिक्स से संबंधित पूछे जाते हैं, और डिपेंड ऑन टीचर, और डिपेंड टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के क्वेश्चन रेज करता है। लेकिन जनरली जो टॉपिक जो आपसे पूछे जाएंगे या रेज किए जाएंगे वो आपके रेलेवेंट टॉपिक से ही किए जाते हैं। जैसे सपोज करो मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, तो जैसे इकोनॉमिक्स में आपका गवर्नमेंट बजट के ऊपर किसी ने टॉपिक बनाया है, प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, तो गवर्नमेंट बजट में आपसे टैक्स के बारे में पूछ लिया, व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, एंड व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, एंड व्हाट इज़ जीएसटी एंड डेमोनेटाइजेशन क्या होता है, जीएसटी कब लागू हुआ। इस तरह के क्वेश्चन जनरली रेज किया जाते हैं, तो इसमें आपको घबराने की नहीं है। जो भी टॉपिक पे आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाई है तो आप उसी को अच्छी तरह प्रिपेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। डियर स्टूडेंट्स, अगर प्रैक्टिकल को लेकर आपकी कोई भी समस्या हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप देखते रहिए हमारे सॉल्यूशन बर्थ चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी प्रैक्टिकल को लेकर जो भी उनकी समस्याएं हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।